किसान आंदोलन 2.0 के लिए किसानों के 250 संगठन दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जब इन किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका गया तो एक संग्राम शुरू हो गया। जी हां, पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जैसे ही किसानों को रोका जाता है तो किसान हिंसात्मक रूप अख्तियार कर लेते हैं और पुलिस भी आंसू गैस के गोले दागने लगती है। किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। उनको रोका जा रहा है, उन पे टियर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। ऐसा रोक रहे, ऐसा कोई फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। किसान है भाई, क्या होने वाला है आखिरकार? किसान को MSP क्यों नहीं? राजनीति से प्रेरित नहीं होना। किसानों का दिल्ली कूच। बॉर्डर पर हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं, लगातार धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं। किसानों और पुलिस फोर्स में टकरा। दिल्ली की अंतरराज्यीय सीमा जो है वो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से कम नहीं लग रही है। दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर सील। बैरिकेडिंग, कीलें, कटीले तार, बोल्डर लगाए किसानों की एंट्री रोकने के लिए। दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पिछली बार जब प्रोटेस्ट हुआ था तो जो प्रोटेस्टर थे वो लाल किले के अंदर दाखिल हो गए थे। एक के बाद एक कई ट्रक यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। 13 फरवरी का सूरज निकलते ही 250 किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच करने लगते हैं। पंजाब से हजारों की संख्या में किसान देश की राजधानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सड़कों पर कीले बिछा दी जाती हैं, कंक्रीट के बड़े बड़े ब्रेक लगा दिए जाते हैं, कटीले तार लगा दिए जाते हैं, सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए जाते हैं, लोहे की बैरिकेडिंग कर दी जाती है, ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं, मिट्टी से भरे बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए जाते हैं, अस्थाई जेलें बनाई जाती हैं, यानी किसानों के जत्थों को रोकने के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा तैयार की जाती है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच हो जाती है सबसे भयंकर झड़प। किसानों की तरफ से पत्थर चलते हैं और पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही। तस्वीरें देखिए आप, चारों तरफ धुआं धुआं है, आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस द्वारा टियर गैस सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार भीड़ को आगे किया जाता है, फिर पीछे भीड़ को पीछे छोड़ा जाता है, भीड़ फिर आगे आ जाती है। तकरीबन 2 घंटे से लगातार इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ और बेकाबू हो रही है। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लगातार टियर गैस के सेल छोड़े जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। आपको बता दें कि शंभू पंजाब के पटियाला जिले में आता है। यह हरियाणा की सीमा के पास एक गाँव है, शंभू बॉर्डर दिल्ली पंजाब और हरियाणा को आपस में जोड़ता है। जब यहाँ किसान सीमेंट की बैरिकेडिंग को रौंद कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो मजबूरन पुलिस को एक्शन में आना पड़ता है। ये जो धुआं उठ रहा है, लगातार ये धमाकों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। पुलिस किसानों को, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगातार टियर गैस सेल का इस्तेमाल कर रही है। कुल मिलाकर जितनी स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है, हालात उतने ही बिगड़ रहे हैं। किसान शंभू बॉर्डर पार करके दिल्ली में घुसने की जिद पर अड़े रहते हैं और पुलिस उनको रोकने के लिए अड़ जाती है। फिर तो जैसे एक युद्ध क्षेत्र जैसा माहौल बन जाता है। चारों तरफ धमाकों की आवाज आ रही है, हो सकता है कई लोगों को चोट आई हो। मैं एक बार
जहां से ये एक्शन हो रहा है वो तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हुए पड़े हैं। ये देखिए किस तरीके से लगातार वहां से फायर हो रहे हैं और ये पब्लिक के बीच में ये देखिए लगातार टीयर गैस सेल लगातार छोड़े जा रहे हैं और ये माहौल कहीं ना कहीं ऐसा बन गया है कि शायद वार जोन में खड़ा हूँ। ऐसे इस तरह की हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर आकर अभी ये बम फटा है और वार जोन जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। धुआं ही धुआं है, सैकड़ों ट्रैक्टर और हजारों किसान मौजूद हैं और हरियाणा पुलिस से सीधे टकराव चल रहा है। चारों तरफ से जिस तरीके से धमाकों की आवाज आ रही है ये बेहद चिंताजनक है। देखिए चारों तरफ शायद अपने जीवन में इतने टीयर गैस कभी एक साथ नहीं देखे होंगे। 2020 में जब ये किसान आंदोलन हुआ था शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक कवरेज की थी लेकिन इतनी टीयर गैस तब भी नहीं देखी थी। अब की बार ना सिर्फ हालात बेकाबू हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो गतिरोध है बहुत जल्द थमने का नाम नहीं लेगा और जिस तरीके के हालात बन गए हैं इनको संभालने में सरकार और पुलिस और किसानों को बहुत समय लगेगा। एक बार फिर से तस्वीरें, पुलिस बल के जवान वापस आगे बढ़ते हुए, ये देखिए पुलिस के जवान, ये देखिए ये फायर हो रही है यहाँ पर ये देखिए पिस्तौल को चौक किया है और किसान जो ये देखिए तस्वीरें ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान परेशान कर रही है कि किस तरह माहौल लगातार यहाँ पर बिगड़ता जा रहा है। और ये देखिए गन फायर हो रहा है, टीयर गैस लगातार छोड़ी जा, ये देखिए फायर किया गया है, ये गोली चलाई गई है, ये देखिए गोली चलाई जा रही है यहाँ पर लगातार फायरिंग हो रही है और ये हालात बहुत चिंताजनक है। ये देखिए किसान कह रहे हैं पीछे हटेंगे नहीं और पुलिस फोर्स की तैयारी बता रही है दिल्ली में किसानों को घुसने देंगे नहीं और बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन 2.0 की ये नई पिक्चर शुरू होती है। शंभू बॉर्डर से सतीन चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। दिन भर प्रशासन और किसानों के बीच टकराव की खबरें आती रहीं। आक्रोशित किसान बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर दिल्ली की ओर बढ़ना चाह रहे हैं मगर सुरक्षा सख्त थी, इसीलिए एक तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए, दूसरी ओर से पत्थरबाजी की गई है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा दें कि कैसे शंभू बॉर्डर जंग का मैदान बन गया। पूरे इलाके में धमाकों की आवाज आ रही है, देखिए किसान है वो यहाँ पर डटे हुए हैं, टीयर गैस फेंके जा रहे हैं। ये हालात बद से बदतर बन गए हैं। यहाँ पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। किसान दिल्ली में प्रवेश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और पुलिस किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली जाने से रोक रही है, इसीलिए किसानों की ओर से पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हैं। पूरे इलाके में धमाकों की आवाज आ रही है, देखिए हालात यहाँ पर एकदम बेकाबू हो गए हैं, यूं कहिए बिगड़ गए हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीछे हटते हैं, पुलिस गोले दागती है, उसके बाद फिर से हालात ये बन जाते हैं। हजारों की तादाद में देखिए वो धमाका हुआ है वहां पर और ये ड्रोन से टीयर गैस फेंके गए हैं। देखिए ड्रोन से जो है भीड़ के पास जाकर टीयर गैस फेंके जा रहे हैं, हो सकता है कई लोगों को चोट आई हो। दिल्ली की सरहदों पर सख्ती है और पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर धुआं धुआं है। किसानों के बीच से कुछ अराजक तत्व पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये देखिए लगातार टीयर गैस सेल लगातार छोड़े जा रहे हैं और ये माहौल कहीं ना कहीं ऐसा बन गया है कि शायद वार जोन में खड़ा हूँ। ऐसे इस तरह की हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर आकर अभी ये बम फटा है और
वार जोन जैसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। तकरीबन पूरा चेहरा एकदम लाल हो गया है, आंखों में पानी थम नहीं रहा है। और पिछली बार 2020 की तस्वीरें आपको याद होगी, वो मंजर भी हमने यहाँ पर देखा था। और देखिए किस तरीके से भीड़ को काबू करने की कोशिश लगातार की जाती है, लेकिन ये भीड़ लगातार फिर से बेकाबू हुई होती बैरिकेड तक आ जाती है। इसी बॉर्डर के दूसरे हिस्से की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ड्रोन्स अब यहाँ पर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, उधर से शोर शराबा भी काफी मात्रा में सुनाई दे रहा है। सुबह से प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, इनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल जो किसान है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। और पुलिस देखिए किस तरह से आंसू गैस बरसा रही है, चाहे कोई भी कोना हो शंभू बॉर्डर का। 2020 की तरह ही किसान पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। देखिए इन ट्रकों में किसानों ने रसद रखी हुई है ताकि खाने पीने की तकलीफ न हो। किसान नेता जिस तरीके से कह रहे हैं कि बड़े बड़े हाइड्रा यहाँ पर आ रहे हैं और सारी रसद सामग्री जो है वो ये लोग इन ट्रालियों में लेकर आ रहे हैं। पिछली बार भी कुछ नज़ारा ऐसा ही था, लेकिन इस बार की तस्वीरें जो हैं वो कुछ बदलने वाली है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके के बंदोबस्त किए हैं, जिस तरीके से किसानों को रोकने का उनका प्लान है, देखना ये होगा कि इस बार किसान उस हरियाणा पुलिस के किले को कैसे तोड़ पाएंगे। जो हाल अंबाला के शंभू बॉर्डर का है, वही हाल दिल्ली में प्रवेश करने वाली दूसरी सरहदों का भी है। हरियाणा के अलावा दिल्ली में घुसने की दूसरी सरहदों पर भी जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पीरागढ़ी से लेकर के बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से दिल्ली, यह अब रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ये देखिए तस्वीरों में जब ये पत्थर और रखा जाएगा, उसके बाद आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो हिस्सा सुबह से खुला हुआ था वो ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दिल्ली की अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कम नहीं लग रही है। और पेरीफेरी जो होती है, कहते हैं ना बॉर्डर पर आप एक लेयर बैरिकेडिंग करते हैं, यहाँ जितने लेयर है इसकी गिनती मुश्किल है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से आरसीसी के जो बैरिकेड्स किए गए थे उनको अब यहाँ पर पक्का किया जा रहा है। इधर दिल्ली में भी सुरक्षा सख्त है, हर बॉर्डर पर पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली की अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कम नहीं लग रही है। मसलन आप देखिए कि अभी ब्रीफिंग चल रही है, सीआरपी की जो महिला कंपनी है वो यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर है। और पेरीफेरी जो होती है, कहते हैं ना बॉर्डर पर आप एक लेयर बैरिकेडिंग करते हैं, यहाँ जितने लेयर है इसकी गिनती मुश्किल है। मतलब आप सबसे पहले ये घेरा देखिए, वो लंबा जाम आपको जिस रास्ता देख रही है ये दरअसल दिल्ली से आती हुई तस्वीर है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं वो 2020 के किसान आंदोलन की याद ताजा कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से सत्येंद्र चौहान, टिकरी बॉर्डर से ऐश्वर्या पालीवाल, सिंधु बॉर्डर से अमित भारद्वाज और गाजीपुर बॉर्डर से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, फिलहाल हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों को सुरक्षा बलों ने रोका हुआ है, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि किसान दिल्ली क्यों आ रहे हैं, क्यों केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच दो राउंड की बातचीत फेल हो गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। पंजाब से किसान संगठनों के मोर्चे ने कूच किया तो पहली झड़प दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर पर शुरू हो गई। बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश में जुटे किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त तनातनी हो गई। शंभू बॉर्डर पर तैनात जवानों ने ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दागे तो किसानों ने पत्थरबाजी से जवाब दिया। टकराव के बाद से हालात तनावपूर्ण है और दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा सख्त है। इस बीच सवाल ये है कि किसानों और सरकार के बीच दो दौर की बातचीत क्यों सफल नहीं हो सकी, आखिर किन मांगों पर बात न बनने के बाद ऐसी स्थिति आ गई। दरअसल किसान एमएसपी पर खरीद की गारंटी के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग में संपूर्ण कर्ज माफी भी शामिल है। संगठनों की मांगों में किसानों मजदूरों के लिए पेंशन भी है। इसके साथ पिछले आंदोलन दौरान दर्ज केस खत्म करना और लखीमपुर कांड के दोषियों को सजा देने की किसानों की अहम मांग है। किसान संगठन ये भी चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 फिर से लागू किया जाए, साथ ही विश्व व्यापार संगठन से समझौते खत्म किए जाए। इन मांगों को लेकर सोमवार को दोनों पक्षों में करीब 4.5 घंटे बातचीत हुई, लेकिन सभी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी।
क्योंकि किसान एमएसपी की गारंटी की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की बात कह रही है। किसान संगठन कह रहे हैं कि कमेटी से उन्हें उम्मीद नहीं है। सरकार की दलील है कि तुरंत नीति संभव नहीं है। किसान एमएसपी पर ठोस ऐलान चाहते हैं। सरकार फौरन फैसले की स्थिति में नहीं है। हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में कि कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचें। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है। अजय लगता उन्हें कि हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है, जो हमने देखा। हम भी चाहते हैं कि किसानों के किसी भी ऐसे उत्पाद जिसमें एमएसपी दर तय होता है वो उसके माध्यम से उससे कम में ना बिके, लेकिन हमें अभी ही सारी चीज़ें हो जाना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। सरकार और किसान संगठनों में बात नहीं बनी और अगले ही दिन घमासान शुरू हो गया। किसान संगठनों की मोर्चाबंदी के बीच केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं का हमला भी शुरू हो गया। किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टियर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। पंजाब से बढ़े किसान दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन पर अड़े हैं और शंभू बॉर्डर पर तनाव के बीच सरकार पर हमले तेज हो रहे हैं। बातचीत करके जो सरकार ने किसानों से समझौता किया था, उन बातों की मांगों को जो है सरकार बातचीत के जरिए समाधान करने का काम करे। सिर्फ किसान अपने एमएसपी की जो मांग है वो जायज मांग है, उनसे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से समझौता किया जाए। और हमने चेतावनी दी है हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को, हमारे किसी किसान का नुकसान हुआ तो वो झेला नहीं जाएगा, हम लड़ेंगे। वो वहां लड़ेंगे, हम यहां लड़ेंगे। दरअसल किसानों की मांग है कि तीन कृषि कानून वापसी के वक्त सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून का वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। दरअसल मुश्किल ये है कि सरकार ऐसा कानून बनाती है तो कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए के फसलों की खरीद सरकार को करनी पड़ेगी। ये रकम देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे सालाना बजट के खर्च के करीब करीब बराबर है, और जहां कुल बजट खर्च 45 लाख करोड़ रुपए हो, वहां सिर्फ फसल खरीद के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना मुमकिन नहीं दिखता। कांग्रेस के 2004 से लेकर 14 तक दलहन तिलहन धान और गेहूं इस कुल की खरीद कितनी हुई? 5.5 लाख करोड़ रुपए की। और मोदी सरकार में 8 वर्षों में खरीद कितने की हुई? 18,40,000 करोड़ रुपए के लगभग, यानी कि 3.5 गुना ज्यादा पैसा मोदी सरकार ने दिया। दाम भी ज्यादा दिए और खरीद भी दुगनी से ज्यादा। हालांकि इन बारीकियों को बखूबी समझते हुए भी कई राजनीतिक दल और नेता फौरन एमएसपी कानून का समर्थन कर रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, और ये मोदी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किस गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। और जो आश्वासन दिए गए थे किसान संगठनों को, जब प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून को वापस लिया था, कृषि कानून को वापस लिया था, तब उन्होंने कुछ वादे किए थे किसान संगठनों को, वो वादा पूरा नहीं हुआ। शंभू बॉर्डर पर टकराव के बीच हालात को काबू में रखने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति के बीच और संगठनों के भी आंदोलन में शामिल होने की भूमिका बन रही है। हमने ये कहा है कि सरकार उनसे बातचीत शुरू करे, उनकी रोकने की कोशिश मत करें। वो किसान हैं, डिमांड सबकी एक है, और किसान रुकेगा नहीं। वो या तो बातचीत से रुकेगा या वो धरने पे बैठने से रुकेगा। वो जहाँ जा रहा है उसको चला जान दो, जाएगा रुकेगा नहीं, किसान वापसी नहीं होता। सरकार लगातार किसान संगठनों से बातचीत की अपील कर रही है ताकि किसान आंदोलन के चलते हालात न बिगड़े और आम लोगों को मुसीबत न उठानी पड़े। शंभू बॉर्डर से सत्येंद्र चौहान और मंजीत सहगल, टिकरी बॉर्डर से ऐश्वर्या पालीवाल, सिंधु बॉर्डर से अमित भारद्वाज और गाजीपुर बॉर्डर से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि आखिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो क्यों नहीं पा रही, कहां मुद्दा अटका हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार जो किसान हैं वो बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, उनकी जो मांग है उसको लेकर के आप लोगों ने मीटिंग भी किया था, किस तरीके से आगे अब आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं अभी भी आशान्वित हूँ, मैं मानता हूँ कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है। ये बात उन्हें भी समझना चाहिए कि जो बात वो कह रहे हैं, सरकार की पद्धति होती है, सरकार के मापदंड होते हैं कि जो ऐसे मामले जो राज्यों से सन्निहित है उनके साथ भी बातचीत करना औपचारिक तौर से, और उसके बाद संगठनों के साथ भी बात करना, और साथ ही साथ अनुकूल प्रतिकूल ऐसे विषयों पर भी चर्चा करना जिससे कि किसानों के हित और देश के हित में हो। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है, इस बात को यदि हम समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका समाधान को अच्छे ढंग से निकाल पाए। एमएसपी की गारंटी की मांग और इसके अलावा कर्ज माफी को लेकर के किसानों की तरफ से लगातार एमएसपी की बात यदि आप देखें तो आप इसका अध्ययन करिए कि एमएसपी में 2013 और 14 के तुलना में 2023-24 में आज एमएसपी की दर क्या है। हम भी चाहते हैं कि किसानों के किसी भी ऐसे उत्पाद जिसमें एमएसपी दर तय होता है वो उसके माध्यम से उससे कम में ना बिके, लेकिन एमएसपी के मामले में ये बात कहते हुए कि हमें अभी ही सारी चीज़ें हो जाना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए।